हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माइन आर्ट। और आज हम छोटा भीम और बाल हनुमान इस बिग पिक्चर से लास्ट जो कैरेक्टर है हमारी इस सीरीज़ का, जो कि बाल हनुमान है, उसको बनाने वाले हैं। तो एक छोटी सी ड्राइंग होने वाली है, इसके बाद हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। 3 कैरेक्टर्स हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसमें बनाया था दुष्टासुर को, एंड सेकेंड में हमने बनाया मृत्युंजय राक्षस को, और इस पार्ट में ये छोटी सी जो ड्राइंग है इसमें हम बाल हनुमान की ड्राइंग बना रहे हैं। तो अब एक अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करो तो ग्रीन गोल्ड के जो एनिमेटर्स हैं उन्होंने बाल हनुमान को काफ़ी हद तक छोटा भीम की फॉर्मेट में बनाया है, या आप ऐसा समझ सकते हो कि उन्होंने छोटा भीम के छोटे रूप को, अगर आपने माइटी लिटिल भीम देखा होगा तो उससे काफ़ी हद तक मैच करता है इसका फेस, उसके लुक को हनुमान के लुक में एनिमेट किया है। तो मैंने काफ़ी समय पहले, आई थिंक उसको ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो चुके हैं, मैंने हनुमान की ड्राइंग बनाई थी मारुति की, और मैं उसकी एक नई ड्राइंग लाने के लिए कोशिश करूँगा मारुति की। हनुमान की एक मूवी आई थी और उसमें भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही स्ट्रक्चर था, आइज थोड़ी सी डिफरेंट थी उसमें, बाकी ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रक्चर सेम था। तो यहाँ देखो हमने इसकी आइज़ को बना दिया है, और मैं इस कैमरा के एंगल को थोड़ा अलग करके भी आपको अभी दिखाऊंगा। इसका तिलक नॉर्मल है बिल्कुल, तो कैमरा को थोड़ा मैं साइड के एंगल से इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से सिंपल इसके ईयर हैं, ईयरिंग्स। अब देखो मैंने इसे बिल्कुल छोटा नहीं बनाया है, जिस तरह से एनिमेशन में काफ़ी छोटा इसमें दिखाया है, मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा रखने की कोशिश की है, इनकी जो फिजीक है हनुमान की। और हेयर्स देखो आप, बिल्कुल भीम की तरह है, बस यहाँ पर जो बाल ऊपर बांधे हुए होते हैं वो थोड़ा सा, वो हनुमान जी का लुक है इसमें। मैंने इसकी आर्म्स को बनाने के लिए और उन्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर रेफरेंस लाइंस लगाई हैं, वो आप देख सकते हो, और उसी के अलोंग मैंने यहाँ पर इसकी आर्म्स को एक्सटेंड किया है। और हम इनके हाथ में इनकी गदा भी बनाने वाले हैं, तो इनकी गदा के लिए भी मैंने पहले जो उसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, जो इन्होंने हाथ में पकड़ रखा है उस गदा का वो हिस्सा, उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन लगाई और उसके ऊपर मैंने एक सर्कल लगाया, और सर्कल के अलोंग जो भी गदा का डिज़ाइन है मैंने उसको वहाँ पर ड्रॉ किया है। और आजकल जितने भी वीडियोस हैं उन सब में मैं शेडिंग करके ड्राइंग को कंप्लीट करता हूँ, कुछ समय बाद मैं कलरिंग वीडियोस भी आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। और नाउ अब इसकी गदा को हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो बिल्कुल सेम एक स्ट्रेट लाइन आप ऊपर लगा दो और उसी के डायरेक्शन के अलावा इसकी गदा को कंप्लीट कर लो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी गदा के स्ट्रक्चर को बिल्कुल एक सर्कुलर वे में रखोगे या फिर आप इसे थोड़ा जगह जगह से इरेगुलर रख सकते हो। इस पर भांति भांति के डिजाइन्स आपको बनाने हैं, सर्कुलर लाइंस लगानी है, इसके टॉप पर भी आपको थोड़ा सा इसे उभार देना है। और मैंने जो लास्ट में ड्राइंग बनाई थी उसमें मैंने
उसका असुर का जो नाम है वो गलत प्रोनाउंस किया है, उसमें उसका जो रियल असली नाम है उसका नाम मृत्युंजय था। और थर्ड पार्ट में हमें उसकी पूरी स्टोरी बताई गई थी। और जो दूसरा राक्षस था उसका नाम था दुष्टासुर, तो उसकी ड्राइंग हमने पहले ही बना ली है। उसमें मैंने सिर्फ वीडियो के टाइटल में चेंजेस कर लिए हैं, मैंने उसका नाम वहाँ पे करेक्ट कर लिया है। वैसे देखने से लग भी रहा था कि उसी का नाम मृत्युंजय होगा, क्योंकि वो मेन विलन दिखाया गया है हमें उसमें। यहाँ पे हम हनुमान की धोती को बना रहे हैं आगे। फीट भी इसके कंप्लीट हो गए हैं, और इसके हेयर्स को अब हम थोड़ा निकाल लेंगे, यहाँ से हल्का हल्का ही निकालेंगे। और फाइनली इसकी जो टेल है उसे भी बना देते हैं। इसके एक आर्म पे गॉन्टलेट बच चुका है, उसे भी बना देंगे, वो आभूषण जो इन्होंने पहना हुआ होता है। और अगर आपके पास भी कोई ड्राइंग का सजेशन हो तो वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो, उस ड्राइंग को हम लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आजकल काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं बहुत सारे ड्राइंग्स के लिए, तो मैं वन बाय वन ड्राइंग्स को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। कई ड्राइंग्स थोड़ी लॉन्ग बन सकती है, तो मैं इसलिए उन ड्राइंग्स को थोड़ा टाइम देकर बनाता हूँ, और उन ड्राइंग्स को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा महाशैतान की ड्राइंग हमने बनाई, अंधकारमय की ड्राइंग बनाई, तो उसमें 3 to 4 hours तो लग ही जाते हैं कलरिंग प्रोसेस में, कलर बनाने में, कलर फिल करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब हमने इसे शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, आइज़ में डार्क शेड की है, थोड़ी जगह पर हल्का सा स्पेस छोड़ा है शाइन करते हुए इसे दिखाने के लिए। बाकी मैं बाउंड्रीज पर थोड़ा डार्क शेड करता हूँ, बीच में थोड़ा हल्की शेड रखता हूँ, अगेन एज अ हाइलाइटिंग फैक्टर जो हमने इसमें ऐड किया है हाईलाइट करने के लिए। जहाँ पर कलर थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड है वहाँ पर डार्क मैं यूज़ करता हूँ, और जहाँ पर हल्के कलर हैं वहाँ मैं साइड से बाउंड्री पर अगेन डार्क कलर करता हूँ, और बीच में थोड़ा उसे हल्की शेड से कलर करता हूँ। देखो हम हेयर के लिए भी शेडिंग कर सकते हैं यूज़, पर यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द शेडिंग प्रोसेस हमें बाल हनुमान की जो ड्राइंग है वो फाइनली कुछ इस तरह से नज़र आएगी। साथ में आप मृत्युंजय को भी, सॉरी दुष्टासुर को भी देख सकते हो, और दुष्टासुर की भी ड्राइंग काफ़ी हाईलाइटेड हमें दिख रही है। मैंने तीनों को एक ही वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप मृत्युंजय को भी देख सकते हो। तो आपको इन ये सीरीज़ कैसी लगी, आपको इन तीनों की ड्राइंग कैसे लगी, ये ज़रूर कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें उन लोगों के
साथ जो कि छोटा भीम की बिग पिक्चर की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।